नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। आज करीबन 8 साल के बाद देश की बेटी निर्भया को इंसाफ मिला है और उन चारों दरिंदों को आखिरकार फांसी के फंदों में लटका दिया गया। निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों की फांसी टलवाने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी के खिलाफ याचिका शुक्रवार की आधी रात को ठुकरा दी थी। आपको बता दें कि 7 साल 3 महीने और 3 दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी में हुई निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सड़कों पर युवाओं का सैलाब इंसाफ मांगने के लिए निकला था। निर्भया की मां आशा देवी ने लंबे समय तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब दोषियों को फांसी दी गई तो उन्होंने ऐलान किया कि 20 मार्च को वह निर्भया दिवस के रूप में मनाएगी। इस बात से एक चीज तो साफ हो गई कि देश की अदालतों में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर के देश की अदालतों ने देश की तमाम महिलाओं का विश्वास जीत लिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अदालत के इस फैसले के बाद उन दरिंदों पर कोई डर का माहौल पैदा होगा या फिर देश में हर एक मिनट में फिर से निर्भया होगी।